हॉल के मसलियत से काम लेने की बजाय उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया और जदोजहद का रास्ता अपनाया। चीफ जस्टिस की जदोजहद बहुत जल्द पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, मीडिया, मुख्तलिफ तबकात और सियासी जमातों की जदोजहद में तब्दील हो गई और फिर जदोजहद का इसी रास्ते की वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ चीफ जस्टिस बहाल हुए बल्कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया वजूद में आई और इस आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया को पाकिस्तान के तमाम तबकात और आवाम की तायीद हासिल है। नाज़रीन, मुंतखब हुकूमत के क़याम के बाद से इस अदलिया के बाज़ फैसलों पर हुकूमत ने तहफ़ुज़ात ज़ाहिर किए। ख़ास तौर पर NRO पे आने वाले फ़ैसले ने हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ा दी। अब एक नई सूरत हाल तारी हुई। हुकूमत, मुंतखब हुकूमत गुरेजा है अदालते उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद से। एक तरफ हुकूमती वज़रा वकला की में तकसीम के एजेंडे पर सरगर्म अमल हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ अदालती फैसलों पर अमल दरामद का अज़म ज़ाहिर किए हुए हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इस नई पैदाशुदा सूरत हाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज की इस नशिस्त में मौजूद हैं जनाब हामिद खान। हामिद खान पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। आज़ाद अदलिया की तहरीक के अहम रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। इनसे बात करते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, आज़ाद अदलिया की जिस तहरीक का आप लोगों ने आगाज़ किया था, आप उसके अहम रहनुमा थे, ये बताएं कि इस तहरीक के जो मकासद थे, आप समझते हैं कि वो सारे मकासद आपने हासिल कर लिए? देखिए, सारे मकासद तो हमने हासिल नहीं किए, ना ही हमने कभी इस चीज़ का दावा किया है। बल्कि जब 20 जुलाई 2007 को चीफ जस्टिस बहाल हुए थे 13 रुकनी बेंच के फैसले के नतीजे में, उस वक्त भी उस वक्त के हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुनीर मलिक साहब ने यह कहा था कि ये एक इब्तदा है अदलिया की आज़ादी की। फिर उस वक्त के बाद फिर हमने वो वजीउद्दीन साहब वाले केसेस फ़ाइल किए, इमरान खान और काजी हुसैन अहमद वाले केसेस फ़ाइल किए, और जब अभी वजीउद्दीन साहब वाले फैसला केस का फैसला होना था जिसमें कि ये प्रेयर हमने की थी कि जी जनरल मुशर्रफ बावर्दी सदर होते हुए सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता और पहले ही ये वर्दी उतारे और 2 साल कम से कम इंतज़ार करे रिटायरमेंट के बाद, फिर ये सियासत में हिस्सा ले सकता है। अभी उसका फैसला होना था, उस 11 रुकनी बेंच के सुन रहा था कि 3 नवंबर का शब खून मारा और वो केस का फैसला नहीं आने दिया और उसके नतीजे में जो अदलिया के अरकान को 18 में से 13 जज सुप्रीम कोर्ट के, उनको कैद कर लिया गया, उनको अपने अपने घरों में मुकफ़ल किया गया और इस तरह हाई कोर्ट के भी 60 जजेस को इस तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया, बंद किया, उनको अपने अहदों से हटाया और ये सारा कुछ आपके सामने हुआ। जिसके बाद फिर एक तहरीक का दूसरा फेज शुरू हुआ सारे उन जजेस की बहाली के लिए जिन्होंने PCO का ओथ नहीं लिया था। ये फिर जाके सिलसिला 16 मार्च 2009 को इसमें हमें कामयाबी हुई। इसको रेस्टोरेशन की बात में कर रहा हूँ, वो 16 मार्च 2009 को हमें कामयाबी हुई और 22 मार्च से हमारे चीफ जस्टिस तुषार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए और भी दूसरे जजेस जो अभी बहाल हुए। इसमें मैं अगर ये बात आपने 16 मार्च की कर दी, आजकल कुछ बयानात आ रहे हैं कि ये हुकूमत की मर्जी से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हुआ अदलिया की बहाली। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हुकूमत की कोई नीयत नहीं थी बहाल करने की। उसमें 2 अहम दस्तावेजात हैं, एक 9 मार्च 2008 को हुई थी, उसमें ये डिक्लेरेशन थी जिसमें जनाब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मिले थे और उसको हम मरी डिक्लेरेशन भी कहते हैं, और उसमें ये कहा था कि हमारी हुकूमत बनने के 30 दिन के अंदर अंदर हम अदलिया को बहाल कर देंगे 2 नवंबर 2007 वाली पोजीशन में। लेकिन उसके बाद उससे मुनहरिफ हो गए जनाब जरदारी साहब, उन्होंने कहा ये मैंने कहा था लेकिन ये मैंने कोई हदीस तो नहीं लिखती थी, तो वो अपने वादे से उस वक्त मुनहरिफ हो गए। आप क्या समझते कि कैसे हुई थी, मतलब अगर हुकूमत ने नहीं की
तो ये फिर आपने वो तो अवामी ताकत से हुई है। हम वकला, हमारे साथ जितनी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, कौम हमारे साथ थी। जब हम यहाँ से जुलूस लेके लाहौर से निकले और जैसे हमारे यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत बड़ा जुलूस 16 की सुबह के लिए तैयार था, हालात वो बन गए थे कि इनके पास या इनकी हुकूमत रहती थी या अदलिया बहाल होती थी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि इस 9 मार्च 2008 के बाद फिर इन्होंने 8 अगस्त 2009 को भी 2008 को भी एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन किया था जिसमें कहा था कि जैसे ही जनरल मुशर्रफ को हटाया जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अदलिया बहाल हो जाएगी, उससे भी मुनहरिफ हो गए थे। तो इनकी कोई नीयत नहीं थी। ये जो क्लेम करते हैं कि जी ये तो हमने इनको बहाल किया, 16 मार्च को जैसे तैसे अदलिया बहाल हो गई, चीफ जस्टिस भी बहाल हो गए, फिर एक अमल ये देखने में आया कि वकला के अंदर तकसीम शुरू हो गई, इसकी वजूहत क्या थी? मैं अर्ज करूँ, तकसीम एक तो हमेशा से ही थी लेकिन जो माइनर है वो आज भी है, वो पहले भी थी। जो प्रो गवर्नमेंट एक तबका होता है वकला में से, जो हुकूमत के साथ होता है, जो हुकूमत का बेनिफिशरी होता है, वो तो उस जमाने में भी मुशर्रफ का बेनिफिशरी भी हमारे खिलाफ थे। परवेज़ इलाही साहब जुलूस, हमारे जुलूसों के खिलाफ जुलूस भिजवाया करते थे लाहौर से, हर आदमी की जेब में 10-10 हज़ार रुपये डालकर और काला कोट पहना के कि जाओ जाके इनका मुकाबला करना, वो भाग जाते अब थे। तो वो भी आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, अब वो आज़ाद, अब उन्हें अदलिया आज़ाद नजर आने, जब मुशर्रफ के साथ थे उस वक्त कुछ और करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो तकसीम होती वो हमेशा ही होती, जो प्रो गवर्नमेंट वकीलों में से हैं, जो प्रोसिक्यूटर ब्रांच के लोग हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, जो हुकूमत के काम किस की बुनियाद पर अपने गुजारा करते हैं, वो तो हर वक्त हुकूमत 2-3-4 हज़ार वकील जो है वो तो खड़ा कर सकते। ये सूरत हाल तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन खान साहब ये बताएं कि आज की अदलिया आप समझते हैं कि अपने फैसलों के हवाले से, अपने तर्ज अमल के हवाले से, अपने तरीक़ेकार के हवाले से आज़ाद और खुद मुख्तार है? देखिए, जहाँ तक आज की अदलिया का ताल्लुक है, जो कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई हमारी सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस, ये तो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार आपके सामने है। ये 31 जुलाई वाला जो फ़ैसला है वो इसकी गमाजी करता है कि उन्होंने जिस तरह से पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी डिक्टेटर के PCO को, डिक्टेटर की इमरजेंसी को, डिक्टेटर की ओथ ऑफ ऑफिस, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स, सब को सेट असाइड कर दिया, और पहली दफ़ा एक जजमेंट आई 31 जुलाई 2009 को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा से कभी कोई अदालत किसी मिलिट्री डिक्टेटर या किसी भी डिक्टेटर को गैर आइनी अमल करने की ना इजाज़त देगी, ना गैर आइनी अमल को कभी तौसीक उसकी की जाएगी। हाँ साहब, आपके ख्याल में आज की अदलिया हर हवाले से आज़ाद है? 18th Amendment में इन्होंने जजों की तैनाती के अमल को इंतज़ामिया की इजाज़त के साथ मशरूत कर दिया, फिर भी आप समझते हैं कि जी ये सारा अमल जो है ये आज़ाद होगा और जो जजेस इंतज़ामिया की मर्ज़ी के साथ अदलिया में आकर बैठेंगे वो आज़ादाना फैसले कर सकेंगे? देखिए, जो 18वीं तरमीम में शिक अब रखी गई है जिसके तहत इंतज़ामिया के लोग भी बैठेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी भी होगी, अगर वो शिक को सुप्रीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर देती, क्योंकि वो केस चल रहा है 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन